العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات بيد محمد وآل محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے. احسان عموماً ہماری اردو زبان میں یا ہمارے ملک میں بولی جانے والی دوسری زبانوں میں احسان ایک برتری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عموماً جس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو جس نے احسان کیا ہو وہ اپنے کو تھوڑا سا برتر سمجھتا ہے اور جس کے اوپر احسان کیا گیا ہو وہ اپنے کو تھوڑا سا کمتر سمجھتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں اور سامنے والا بھی کبھی کبھی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے احسان کو بھول گئے. لیکن عربی زبان میں احسان کوئی برتری کے معنی میں نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں احسان ایک برتری کے معنی میں ہے کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو یہ گویا کہ وہ احسان عربی میں کہتے ہیں نیکی کو. نیکی کا مطلب حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ نیکی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہے.
अच्छा अब ये जो नेकी होती है, इस नेकी का भी जिसे हम एहसान कहें, नीचे दर्जे से अगर आप शुरू करें, एक तो नेकी ये होती है कि किसी हैवान के साथ किसी ने एहसान किया, किसी हैवान के साथ नेकी की, कुछ उसको प्यासा था पानी पिला दिया, भूखा था खाना खिला दिया, कहीं बेचारा रास्ते में जख्मी हो गया था कोई जानवर, उसको किनारे लाए, उसके ऊपर कोई पट्टी बांध दी, एक तो है हैवान के साथ नेकी, दूसरे है खुद इंसान के साथ नेकी। ये जो इंसान के साथ नेकी है, इस नेकी में भी दर्जे हैं। एक है आम इंसान के साथ, वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी सरजमीन और किसी भी शक्ल सूरत से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ नेकी की हमने, उसके साथ कुछ एहसान किया। हमारा हम मजहब नहीं था, हमारा हम धर्म नहीं था, हमारा अजीज नहीं था, हमारा हम वतन नहीं था, हमने इंसानियत के नाते भूखा था खाना खिला दिया, प्यासा था पानी पिला दिया, बदन के ऊपर लिबास नहीं था कपड़ा दे दिया, एक तो ये है नेकी। इससे बढ़ के नेकी ये है, इससे बढ़ के एहसान ये है कि कोई इंसान किसी मुसलमान के साथ नेकी करे, किसी मुसलमान के साथ एहसान करे, इसका सवाब बढ़ जाता है। एक मुसलमान को प्यासा देखकर पानी पिला दिया, एक मुसलमान को भूखा देख के खाना खिला दिया, एक मुसलमान को बरहना देख के लिबास पहना दिया, उसकी किसी मुश्किल में काम आ गए, इससे भी अफजल और बढ़ के एहसान है कि कोई इंसान किसी मोमिन के साथ एहसान करे, किसी अली वाले के साथ एहसान करे, इस एहसान का सवाब बढ़ जाता है, इस एहसान का सवाब बढ़ जाता है। और इस किस्म की रवायतें भी खुद मासूमीन के जमाने में भी ऐसे वाकयात और हालात हैं कि जहां के ऊपर इमाम ने किसी भूखे को खाना खिलाया और उसे रोटी दी, और इमाम से सवाल हुआ तो इमाम ने उसके जवाब में फरमाया कि अगर ये मोमिन होता तो रोटी के साथ कुछ और भी इसको मैं देता, रोटी के साथ कुछ और भी देता इसको। तो मालूम ये हुआ कि एक तो है कि आम इंसान के साथ नेकी, दूसरे है कि मुसलमान के साथ नेकी, तीसरे के मोमिन के साथ नेकी, इससे भी बढ़ के और इससे भी अफजल है किसी अल्लाह वाले के साथ नेकी। जाहिर सी बात है कि खुद साहिबान ईमान में भी सब एक दर्जे में थोड़े हैं, सब एक जैसे थोड़े हैं। हमने किसी को अल्लाह वाला देखा, किसी को इल्म वाला देखा, और इस अल्लाह वाले के साथ, इस आलिम के साथ हमने नेकी की, इसका सवाब और भी ज्यादा है। खुद रवायतों में ये जो सदका है, नेकी सदका, सदका का मतलब किसी की जरूरत को पूरा करना, अफजल सदका किसी साहिब इल्म की जरूरत को पूरा करना, ये रवायत है कि अफजल सदका ये है, अफजल सदका। यानी हम देते हैं किसी को कुछ पैसे दे दिए, लिबास दे दिया, खाना दे दिया, अफजल सदका ये है किसी साहिब इल्म की जरूरत को पूरा किया जाए, ये अफजल है, इस तमाम सदकात में सबसे अफजल सदका है। तो जाहिर सी बात है कि एक आम मोमिन है और एक अल्लाह वाला है, एक साहिब इल्म है, तो इसके साथ नेकी की और सवाब बढ़ गया। अब इससे भी बढ़ के किसी ने मोमिन के साथ नहीं, अमीरुल मोमिनीन के साथ
एहसान किया, अमीरुल मोमिनीन के साथ नेकी की, तो अब जाहिर सी बात है उसका सवाब क्या कहना, उसका दर्जा और उसका मकाम क्या कहना। अब किसी ने पैगंबर खती मर्तबत के साथ एहसान किया तो उसका दर्जा और उसका मकाम और उसका सवाब क्या कहना। अजीजान मोहतरम, अगर हमारी बात आपके अजहान आलिया तक पहुंच गई हो तो आप अंदाज़ा लगाइए, अबू तालिब उस शख्सियत का नाम है कि जिसने पैगंबर पर एहसान किया है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू तालिब उस किरदार का नाम है, उस शख्सियत का नाम है कि जिसने पैगंबर पर एहसान किया है। अब जाहिर सी बात है पैगंबर के साथ जो एहसान किया, पैगंबर के साथ जो नेकी की, पैगंबर के साथ जो हुस्न सलूक का बर्ताव किया, अब इसकी जजा, इसका अज्र, इसका सवाब, इसका मकाम, इसका मर्तबा, इसकी अजमत अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। जनाब अबू तालिब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे उनमें दो बेटे, एक जनाब अब्दुल्ला और एक जनाब अबू तालिब। जनाब अब्दुल्ला कि जिनसे पैगंबर खती मर्तबत दुनिया में तशरीफ लाए, और जनाब अबू तालिब कि जिनसे अमीरुल मोमिनीन दुनिया में तशरीफ लाए। तो जनाब अब्दुल्ला, क्योंकि जब पैगंबर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तभी दुनिया से रुखसत हो गए थे, पैगंबर के दुनिया में आने से पहले ही जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। उस मौके पर मौजूद कौन था? जनाब अब्दुल मुत्तलिब। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दादा थे, जनाब अबू तालिब वो चचा थे, तो चचा तो और भी थे, लेकिन पैगंबर को खुद जनाब अबू तालिब ही ने क्यों सीने से लगाया? जनाब अबू तालिब ही ने क्यों अपनी आगोश में उन्हें परवान चढ़ाया? चचा तो और भी थे, और कैसे कैसे चचा थे आप सब मालूम है, कैसे कैसे चचा थे आपको पता है। तो अगर चचा होने के नाते पैगंबर की ये खिदमत कर रहे थे और पैगंबर की तरबियत कर रहे थे तो चचा तो और भी थे। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अच्छा ये तरबियत भी, जहां एक तरफ खुद जनाब अबू तालिब का इश्क और उनकी मोहब्बत और उनका लगाव पैगंबर से जो था उसकी बुनियाद पर थी, दूसरे खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत और उनकी नसीहत कि अबू तालिब ही की आगोश में परवान चढ़े। अब यहीं पर एक और सवाल पैदा होता है कि अब्दुल मुत्तलिब ही के तो सारे बेटे थे, तो क्या खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों को नहीं पहचानते होंगे? जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटों की खूब मारफत थी, और शायद यही वजह है कि उन तमाम बेटों में से अगर किसी बेटे को पैगंबर को सौंपा है तो वो अबू तालिब की जात है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। छह सात बेटे थे, उन छह सात बेटों में खुद जनाबे अबू तालिब का इंतखाब जनाब अब्दुल मुत्तलिब जनाब अबू तालिब का इंतखाब कर रहे हैं किसके लिए? पैगंबर की तरबियत के लिए, पैगंबर को परवान चढ़ाने के लिए। यह खुद बता रहा है कि खुद जनाब अबू तालिब के अंदर कुछ ऐसा कमाल था कि उस कमाल को देख के जनाब अब्दुल मुत्तलिब की निगाहें जनाब अबू तालिब पर टिकी, और जनाब अबू तालिब का इंतखाब किया अपने रिसालत के परवान चढ़ाने के लिए।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब कौन है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो यकीन था, जो ईमान था, आप कहेंगे उस मौके पे कहां इस्लाम था, उस मौके पे कहां ईमान था? तो अगर ईमान और इस्लाम नहीं था तो फिर आप ये क्या पढ़ते हैं ज़ियारत वारिसा में, असलाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा? अगर ईमान और इस्लाम नहीं था तो फिर आप क्या पढ़ते हैं कि आपके ऊपर या अब अब्दुल्ला आपके ऊपर सलाम हो और उन सुलबों के ऊपर सलाम हो कि जिन सुलबों में आप रहे, और उन पाक रहमों के ऊपर सलाम हो कि जिन पाक रहमों में रहे। तो पाक होने का मतलब क्या? रहम और सुलब के पाक होने का मतलब क्या है कि इनके अरहाम भी पाक और इनके असलाब भी पाक। अरहाम और असलाब के पाक होने का जो यहां के ऊपर मतलब उलमा ने बयान किया है, मुहद्दिसीन ने बयान किया है, वो ये कि इस पूरे सिलसिले में ना कोई मुशरिक था ना कोई काफिर था। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस पूरे सिलसिले में जनाब आदम से लेके और जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब से लेके और जनाब तालिब और जनाब अब्दुल्ला तक ना कोई काफिर था ना कोई मुशरिक था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, अब उनका ईमान, उनके ईमान की मंजिल के लिए जिस साल पैगंबर तशरीफ लाए उसी साल का यह वाकया है। पैगंबर जिस साल दुनिया में, उसी साल का यह वाकया है, अबरहे का वाकया। यमन का रहने वाला था यह अबरहा, यमन से इसका ताल्लुक था। वहां जिस वक्त खाने काबा और खाने काबा की अहमियत और अजमत और उसके गिर्द तवाफ करना और लोगों का हुजूम इसको पता चला, तो इसने इस मरकज को खत्म करके चाहा कि अपने यहां मरकज कायम करें और उसका लोग तवाफ करें और उसकी तरफ रुजू करें और उसके दीन और उसके आइन को कबूल करें। इस गरज से अबरहे ने चढ़ाई की मक्के के ऊपर, खाने काबा के ऊपर। अब जब अबरहे का लश्कर आया है तो कहते हाथियों का लश्कर था। अबरहे का लश्कर आया तो मक्के से बाहर, उस जमाने में कोई इतना बड़ा शहर नहीं था मक्का जिस तरीके से आज इतना बड़ा शहर दिख रहा है। हरम और उसके अतराफ में थोड़ी सी आबादी थी, और जो आबादी थी वो भी हरम के अंदर थी। वो जो हरम का एरिया है पूरी आबादी हरम के अंदर थी। तो ये हरम है, हरम खुद मस्जिदुल हराम, हरम तो बहुत बड़ा एरिया है, खुद मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम और उसके अतराफ का जो एरिया है बस यही आबादी थी उस मक्के की। चुनांचे अबरहे ने आने के बाद इसी मक्के के बाहर पड़ाव डाला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने आके खबर दी, पता चला जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कि इस तरीके से अबरहा आया है और उसका ये इरादा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब न जरा भी डरे, न सहमे, न खौफजदा हुए। ठीक है, आया है आया होगा, आया है आया होगा, और मामूल के मुताबिक अपनी भेड़ और बकरियां लेके या किसी के हवाले करके अपने कामों में मशगूल हो गए। और जिस तरीके से आप खाने खुदा में आते थे उसका तवाफ करते थे, तवाफ किया। किसी ने आके खबर दी कि वो आपकी भेड़ बकरियां जो हैं तो वो अबरहे के लश्कर ने पकड़ ली हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अबरहे के पास गए। अब जाहिर सी बात है कि उस जमाने में अबरहा, क्योंकि उस जमाने का एक शहनशाह था, महाराजा था, नौकर चाकर चौकीदार ये सब मौजूद थे। भाई किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है,
जनाब तालिब ने कहा कि मुझे उससे, तुम्हारा जो सरदार है उससे मुलाकात करनी है। कौन हो, कहां से आए हो, क्या हो, लश्कर वाले क्या जाने हैं, चौक वो सब क्या जाने हो। ले जनाब तालिब ने तारुफ कराया, मैं सैयद कुरैश हूं, मक्के का सरदार हूं, इस तरीके से आया हूं, तुम्हारे सरदार से मिलना है। लोगों ने जाके अब्रह को खबर की। अब्रहा यानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जब अब्रहा आया है, जर्रा बराबर जनाब अबू तालिब के ऊपर ना रोब तारी हुआ ना खौफ तारी हुआ, लेकिन आप ईमान का रोब देखिए, ईमान का खौफ देखिए, कुछ ही नहीं है जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास, खाली हाथ जनाब अब्दुल मुत्तलिब। और जिस वक्त बताया कि जो सैयद कुरैश हैं और सैयद बतहा, बतहा कहते हैं मक्के को, सैयद कुरैश, सैयद बतहा, वो आए हैं आपसे मुलाकात के लिए, हैं? ये समझा कि शायद कुछ मुसालहत के लिए आए। खड़ा हो गया अपनी जगह के ऊपर, ये होता ईमान का खौफ, ईमान का रोब, खड़ा हो गया अपनी जगह के ऊपर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आराम से इत्मीनान से तशरीफ ले गए, तशरीफ रखिए, बैठिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैठ गए। जी फरमाइए, कैसे जहमत फरमाई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो गुफ्तगू की तो उस गुफ्तगू से हैरान रह गया, कहा कि वो असल में तुम्हारे आदमियों ने और तुम्हारे सिपाहियों ने, वो हमारी बकरियां चर रही थी, भेड़ें चर रही थी, और वो भेड़ बकरियां तुम्हारे सिपाहियों ने पकड़ ली हैं और उनको अपने कब्जे और अपने अख्तियार में ले लिया है, तो उसी के लिए आया हूं कि अपने सिपाहियों से कहो कि वो मेरी बकरियां हैं और वो छोड़ दे। अब्रहा ताज्जुब में डूब गया, हैरत कर गया, हैरत। वो एक मर्तबा हैरत से पूछता है कि ए सैयद कुरैश, ए सैयद बता, ये बताओ कि तुमको पता है कि मैं किस लिए आया हूं। कहा मुझे खूब मालूम है, खूब मालूम है कि तुम किस लिए आए। कब पता है मेरे साथ कौन सा लश्कर है। कहा मालूम है कौन सा लश्कर लेकर, दिख तो रहा है, सब सामने है, ये हाथी, ये घोड़े, ये नज़े बरदार और ये तीरंदाज और ये सब सवार, सब मालूम है, सब सामने है। तो मर्दबा कहता है कि तुमको इस घर की फिक्र नहीं और अपनी बकरियों की फिक्र है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया है उसका जवाब नहीं है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि सुनो, बकरियों का मालिक मैं हूं, लिहाजा बकरियों की सिफारिश के लिए मैं तेरे पास आया हूं, लेकिन इस घर का भी कोई मालिक है, जो मालिक है वो उस घर को बचा लेगा। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मालिक है वो उस घर को बचा लेगा। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जबान मुबारक से जो कलेमात निकले तो कैसे देखिए, वो ये कलेमात कैसे मुहक्कक हो गए, सच हो गए। यानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब तरीके से पेशन गोई कर रहे हैं और कैसे ये कलेमात मुहक्कक हुए हैं, ये कलेमात सच साबित हुए हैं। ये कब होता है, जब ईमान अल्लाह ताला की जात के ऊपर होता है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब ईमान अल्लाह ताला की जात के ऊपर होता तब ये चीज होती है। और हुआ भी यही कि जिस वक्त अब्रहे ने हमला किया है खाने काबा के ऊपर और हाथी चले हैं, हाथियों का लश्कर पूरा चला है काबे को उठाने के लिए, अल्लाह ने इन हाथियों के मुकाबले में या हाथियों के मुकाबले के लिए अपना लश्कर भेजा। अच्छा, लश्कर की खसूसियत क्या होती है? लश्कर की खसूसियत यह होती कि सिपाही के मुकाबले में सिपाही होता है।
जिनके हाथ में तलवारें होती हैं तलवार वालों के मुकाबले में तलवार वाला होता है, नैजे वालों के मुकाबले में नैजे वाले होते हैं, तीर अंदाजों के मुकाबले में तीर अंदाज होते हैं, सवारों के मुकाबले में सवार होते हैं। तो होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था अगर अब्रहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था तो अल्लाह भी हाथी भेजता, हाथियों का लश्कर होता और उसकी कुदरत से कुछ बईद भी नहीं। वाला कुल्ले शहीन कदीर है, हर शय पर कुदरत रखता है, लिहाजा वो हाथियों का लश्कर भेजा। कमाल यह है कि हाथियों को रौंदने के लिए हाथी नहीं आए, एक मामूली सा परिंदा, ताकि खुद अब्रहे जैसे को उसकी हैसियत उसकी औकात बता दी जाए। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक मामूली सा परिंदा, अबाबील, जो पुराने घर वगैरह होते हैं, पुराने मकान होते हैं, उनमें आज भी आपको उसके आशियाने मिल जाएंगे। शाम होते हुए या सुबह होते हुए ये परिंदा उड़ता हुआ नजर आएगा आपको, अबाबील, छोटा सा परिंदा, और उसकी मिनकार में मसूर की दाल के बराबर एक पत्थर फंसा हुआ। और जिस वक्त ये हाथियों का लश्कर चला है उधर से ये अबाबीलों का लश्कर चला, और जिस हाथी के ऊपर ये पत्थर पड़ते थे, कुरान कह रहा का असफिम माकूल, वो चबाए हुए भूसे की तरह हो जाता था, चबाए हुए भूसे की तरह हो जाता था। आजादा अजीजाने मोहतरम, अब्दुल मुत्तलिब उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अल्लाह के घर को बचाया, अबू तालिब उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अल्लाह के रसूल को बचाया, अल्लाह के रसूल को बचाया। दोनों का बराबर का एहसान है, अब्दुल मुत्तलिब का एहसान कि बैत को बचाया, घर को बचाया, अबू तालिब का एहसान कि साहिबे बैत या खुद रसूलुल्लाह को बचाया। लेकिन मुसलमानों की एहसान फरामोशी देखिए कि ये दोनों नाम तारीख के अंधेरों में, न तो अब्दुल मुत्तलिब की कद्र की न अबू तालिब ही को पहचाना। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। न तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ही की कद्र, न उन्हीं के तस्करे, न उनके कसीदे, न उनके फजाइल, और न ही अबू तालिब का कोई तस्करा, न अबू तालिब के कसीदे, न अबू तालिब के फजाइल। और जिनका कोई किरदार नहीं था उनके तस्करों से तारीख इस्लाम के पन्नों को सियाह कर दिया गया, उनके तस्करों से तारीख इस्लाम के पन्ने आपको सियाह मिलेंगे कि जिनका कोई किरदार नहीं था। तो उसी साल के जिस साल इस अब्रहे ने हमला किया खाने काबा के ऊपर, उसी साल पैगंबर तशरीफ लाए थे। मैंने अर्ज किया इब्तिदाए कलाम में आपकी खिदमत में कि पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो आपके वालिद जनाब अब्दुल्लाह की वफात हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो चुका था, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब खुद पैगंबर को परवान चढ़ा रहे थे, उनकी परवरिश कर रहे थे। जनाब पैगंबर खत्ती मर्तबत अभी छोटे ही थे, बचपन की मंजिल थी कि इसी बचपन की मंजिल में जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी रुखसत हो गए। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद अगर कोई पैगंबर को परवान चढ़ाने वाला और उस पैगंबर का सीना सिपर और पैगंबर को तमाम खतरों से बचाने वाला था तो उस जात का नाम है जनाब अबू तालिब, जनाब अबू तालिब। और ये जो जनाब अबू तालिब पर इल्जाम लगाया गया ये भी एक सोची समझी स्कीम के तहत लगाया गया था। मसला ये था कि जिनको इन्होंने बड़ा बनाया था, एक तो ये होता कि अल्लाह ने किसी को बड़ा बनाया और एक इंसान किसी को बड़ा बनाए,
तो बड़ा फर्क है ना उसमें कि अल्लाह ने एक को बड़ा बनाया और एक को इंसान बड़ा बना रहा है। तो इंसान तो अपने लिहाज से बड़ा बनाएगा ना, लेकिन अल्लाह जब किसी को बड़ा बनाए तो अब जाहिर सी बात है कि उनके मुकाबले में कि जिसको अल्लाह ने बड़ा बनाया था ये ठहरते नहीं थे, ये ठहरते नहीं थे वहां पर। आप लाख कह लो बड़े सच्चे हैं और बड़े फैसला देने वाले हैं और बहुत खैर व खैरात करने वाले हैं और बड़े ये हैं और बड़े वो हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ से तो नक्स और ऐब रहेगा कि पूरी जिंदगी कुफ्र जलालत और गुमराही में गुजार दी। ये तो नक्स रहेगा, ये तो ऐब रहेगा, ये तो तारीख लिखेगी कि ये भले मोमिन हो लेकिन इनके बाप तो काफिर थे, ये भले मोमिन हो गए लेकिन इनके बाप तो काफिर थे। लिहाजा आप उनके कम से कम उनके मुकाबले में अली को कैसे खड़ा करें, इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं अबू तालिब भी काफिर, एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये जनाब अबू तालिब का खुद किरदार था कि जो हकीकत में पुकार पुकार के कह रहा था, पुकार पुकार के कह रहा था। तारीख इस्लाम में ये सारे वाकयात और हालात मौजूद हैं और यही वजह है कि वक्तन फवक्तन आज आप जिन जबानों से जनाब अबू तालिब को काफिर कहा गया आज उन्हीं जबानों से आप मोमिन सुनेंगे। नहीं साहब ये रवायत नहीं, ये रवायत है, ये आयत नहीं, ये आयत है, वो वाकया नहीं, ये वाकया है, ये बात नहीं, ये बात है। और उन्हीं के उलमा, उन्हीं के शुआरा, उन्हीं के खुतबा। तो ये किरदार बोल रहा है जनाब अबू तालिब का कि जनाब अबू तालिब जिस वक्त जनाब पैगंबर, मैंने तो खुद अर्ज किया आपकी खिदमत में कि क्या वजह थी, इतने चचा थे पैगंबर के, खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नजर खुद अबू तालिब पे क्यों टिकी कि अबू तालिब ही मोहम्मद को परवान चढ़ाए। ये जो नजर इंतखाब जनाब अब्दुल मुत्तलिब की, ये कुछ कह रही है, ये कुछ बता रही है और साबित भी किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। अभी पैगंबर की नौजवानी है और इसी नौजवानी के आलम में इस वाक़े को तमाम आलम इस्लाम ने अपनी तारीख की किताबों में लिखा। इस नौजवानी के आलम में जनाब अबू तालिब पैगंबर को तिजारत के लिए ले जाते थे अपने साथ, शाम जाते थे तो तिजारत के लिए अपने साथ ले जाते थे। एक सफर पर जब जनाब अबू तालिब पैगंबर को सफर तिजारत पर ले गए तो अभी शाम पहुंचे नहीं थे, अभी शाम के रास्ते में थे और उस जमाने के जो सफर होते थे तो कुछ कुछ फासले के ऊपर कुछ मेहमान सरा होते थे, कुछ इबादत खाने होते थे, जिस तरीके से हमारे यहाँ मुल्क में धर्मशाले होते हैं वैसे ही वहाँ गिरजाघर और गिरजाघर के साथ साथ कुछ मुसाफिरों के रुकने और ठहरने के लिए इंतज़ाम होता था। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता, मंदिर के बगल में धर्मशाला बना दिया, अगर कोई कभी आ रहा है जा रहा है तो कम से कम वो रुक सके। कोई दरगाह है, कोई मस्जिद है, उसके बगल में मुसाफिर खाना बना दिया, कभी कोई आ रहा है जा रहा है तो यहाँ पर ठहर सके। तो ये जो गिरजाघर होते थे तो इनके साथ रहने का इंतज़ाम होता था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो अपने साथ ले गए, रात हुई, एक मकाम के ऊपर रुके, जिस जगह के ऊपर रुके वहीं के ऊपर गिरजाघर था। उस गिरजाघर का जो राहिब था उसकी नजर पैगंबर पर पड़ी। अभी इस्लाम नहीं आया, कुरान नहीं आया, पैगंबर ने अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया अभी नौजवानी में कि उम्र है पैगंबर की, और इस नौजवानी में जनाब अबू तालिब के साथ अपने चचा के साथ सफर तिजारत पे हैं जनाब पैगंबर इस्लाम।
जैसे ही नजर पड़ी पैगंबर पर तो हैरत में पड़ गया पैगंबर को देख के, और उसे कुछ याद आ गया। याद क्या आया? वो पैगंबर को देखता था और वो जो कुछ अपनी अपने सहीफों में उसने जो पढ़ा था आखिरी नबी की सिफतों के सिलसिले में, उन सिफतों को देखता था, उन सिफतों को देखता था और उन सिफतों को याद करके ये गया जाके फिर उसने किताब उठाई, किताब खोली, उसमें खुद फिर सिफतों को पढ़ा कि जो आखिरी नबी होगा उसकी सिफत ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये सिफतें होंगी उसकी। फिर आया दौड़ के पैगंबर के करीब आके उसने देखा पैगंबर को चलते हुए, पैगंबर को कलाम करते हुए, पैगंबर को बैठते हुए, पैगंबर को खाना खाते हुए, हैरत में पड़ गया। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब को एक गोशे में ले गया, इस बच्चे की हिफाजत करो। क्यों, क्या हुआ? कहा नहीं, मैं कह रहा हूं इस बच्चे की हिफाजत करो। जनाब अबू तालिब को मालूम है कि यह बच्चा कौन सा बच्चा है, इस बच्चे की हिफाजत करो। खैरियत क्या हुआ? कहा यह बच्चा जो मैंने अपने सहीफों में और अपनी किताबों में जो आखिरी नबी की सिफतें पढ़ी हैं और जो बातें जनाब ईसा से सीना ब सीना हम तक पहुंची हैं, उनकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि आखिरी नबी है, आखिरी नबी है ये बहुत बुजुर्गी और कमाल का मालिक होगा। ले जाओ इसको, वापस करो, इसकी हिफाजत करो। जनाब अबू तालिब को पता था कि मेरा भतीजा किन कमालात का मालिक है, लेकिन इसके बावजूद आप तिजारत के सफर पे ले गए। लेकिन जिस वक्त ये राज जाहिर हो गया, अभी तक जनाब अबू तालिब जानते थे, लिहाजा अभी तक तो पैगंबर के लिए खतरा नहीं था, लिहाजा क्योंकि इसने बोल दिया, ये जबान पर ले आया, लिहाजा इसके कहने पे नहीं, खुद पैगंबर, खुद जनाब अबू तालिब ने हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर, हिफ्ज मा तकद्दुम के तौर पर वहीं पे अपने सफर को रोका और पैगंबर को वापस मक्के ले आए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और से बयान कर दे और मेरे भतीजे मोहम्मद के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए। तो जिस अबू तालिब ने उस बचपन में पैगंबर के ऊपर एहसान किया हो, पैगंबर की हिफाजत की हो, जिस वक्त लोग ईमान नहीं जानते थे, इस्लाम नहीं जानते थे, वो पैगंबर पे ईमान लाया हो, वो अबू तालिब और काफिर, ये तो इस्लाम से पहले की बात थी। जिस वक्त पैगंबर खत्मी मर्तबत ने मक्के की गलियों में कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु की आवाज बुलंद की है, तो इस आवाज के बुलंद होने के बाद अब सबकी नजरें जनाब अबू तालिब पे लगी हुई हैं कि ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, और इसी किरदार को आज तक मुसलमान समझ नहीं सका, इसी किरदार को समझ नहीं सका। कि खुद अभी जनाब अबू तालिब हयात हैं, अपनी सरपरस्ती से उन्होंने अपने हाथ को खींचा नहीं है, पैगंबर की सरपरस्ती से अपने हाथ को खींच लिया हो जनाब अबू तालिब ने कि नहीं, आवाज से मैं इनका जिम्मेदार नहीं हूं और इनका मैं मुहाफिज नहीं हूं, इन बल्कि अभी जनाब अबू तालिब उसी तरीके से पैगंबर से मोहब्बत, इजहार है मोहब्बत, इजहार इरादत, कि जिस तरीके से अब तक इजहार मोहब्बत और इजहार इरादत करते रहे उसी तरीके से। और यहां तक के जब पैगंबर खत्मी मर्तबत पर पहली वही आई और पहली वही के बाद फिर
जब आयत उतरी कि पैगंबर आप घर वालों को डराइए, घर वालों को बुलाइए, उनको इस्लाम पहुंचाइए, और पैगंबर खदी मर्तबत ने कुरैश को जमा किया। इस दावत का जो इंतजाम किया है वो किसने किया है, इस दावत का जो एहतमाम किया है वो किसने किया है, सिवाय अबू तालिब और आल अबी तालिब के कोई और नहीं मिलेगा आपको। इस्लाम के ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक तमाम मरहलों में पैगंबरी इस्लाम और इस्लाम की नुसरत करने वाले और मदद करने वाले और बचाने वाले या अबू तालिब या औलाद अबू तालिब। खुद अमीरुल मोमिनीन छोटे हैं मौला अली, लेकिन दावत का एहतमाम मौला अली ने किया है, बुलाने के लिए एक एक को मौला अली गए हैं। दावत का एहतमाम हुआ, दावत का इंतजाम हुआ, दावत हुई और पहला दिन हुआ, पैगंबर बोलना चाहते हैं, पैगंबर अपना पैगाम सुनाना चाहते हैं। अभी खाली इतना कहा था कि मैं उसकी तरफ से पैगाम लाया हूं कि फिर दरमियान में टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, शोर मच शुरू कर दिया जाता है और पैगंबर अपना कलाम रोक देते हैं। पहला दिन तमाम हुआ, दूसरा दिन तमाम हुआ, तीसरा दिन जब आया पैगंबर ने फिर कलाम करना चाहा, फिर अपनी बात कहना चाही। अब गुज़िश्ता दो दिनों की तरीके से जैसे ही आज खलल डालना चाहा अबू लहब ने, जैसे ही आज रोकना चाहा, जैसे आज टोकना चाहा, बस एक मर्तबा कहते ही जनाब अबू तालिब खड़े हो गए और पैगंबर की तरफ इशारा करके आवाज दी, ए मेरे सैयद सरदार, तुमको जो बयान करना बयान करो, एक सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी दावत जुलशीरा के मौके के ऊपर पैगंबर ने जब नुसरत का वादा किया तो सिवाय अबू तालिब के बेटे के और किसी ने नुसरत का वादा नहीं किया। ये अमीरुल मोमिनीन ही थे, ये अली इब्न अबी तालिब ही थे कि जिनकी उम्र सिर्फ 9 या 10 साल, और इस 10 साल के सिन में अमीरुल मोमिनीन अपने पंजों पर जोर दे के खड़े होकर आवाज दे रहे थे, अना नासरुन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मत घबराइए, मत डरिए, अगर कोई आपकी नुसरत मदद करने वाला नहीं है तो मैं आपकी नुसरत और मदद करने के लिए तैयार हूं। और वाकई जब तक अबू तालिब हयात रहे, अबू तालिब नुसरत और मदद करते रहे, अबू तालिब नहीं रहे तो अबू तालिब का बेटा और अबू तालिब की औलाद इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की नुसरत और मदद करती रही। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे मोहसिन इस्लाम और ऐसे मोहसिन पैगंबर इस्लाम को फरामोश कर देना ये हद दर्जा कमजरफी है, नालायकी है, बदबख्ती है कि जिसके इतने एहसानात हों उस शख्सियत को और उस किरदार को मुसलमान फरामोश कर दे और भुला दे। आज उसी की विलादत की शब है, उस परवरदिगार आलम की बारगाह में इसी मोहसिन इस्लाम और खुद पैगंबर इस्लाम और इस नस्ल अबू तालिब की जो इस्लाम की राह में काम आई है, इनके वास्ते से परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक हम सबको माफ़ फरमा, हम सबको खुशियां नसीब फरमा, मोमिनीन जहां जहां भी आबाद हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा, बारे इलाहा जो मुमिन मरीज हैं उनको शिफा अता फरमा, जो मोमिनीन दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मगफरत फरमा, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावात। السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا